हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोग अपने इस वीडियो में ये बताऊंगा कि हाउ टू जॉइन अ क्रिकेट एकेडमी। जी दोस्तों, मैं हूं अरान वसी, आप देख रहे हैं स्पिन टू विन। क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने के लिए हमको तो पहले ये पता करना होगा अपने किसी दोस्त से या वहाँ जाके कि इस एकेडमी में क्रिकेटर बनने के लिए ज़्यादातर सारी चीज़ें होती है कि नहीं। अब उन सारी चीज़ों में आएगा पहला फिटनेस, दूसरा कैचिंग, तीसरा फील्डिंग, चौथा नेट, पांचवा हाई कैचिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें, सुपरविजन, बेसिक्स, ये सब सिखाए जाते हैं कि नहीं। और दोस्तों, हमको ये भी पता करना पड़ेगा कि कितना समय वहाँ कैचिंग को मिलता है, कितना समय वहाँ नेट को मिलता है, और कितने दिन वहाँ फिटनेस होती है, क्या ड्रिल्स फॉलो होती है। एक अगर 5 दिन वो सिखा रहे हैं हफ्ते में, मंडे टू फ्राइडे, तो उसमें वो किस दिन क्या कराएंगे, कितने दिन कैचिंग होगी, कितने दिन फिटनेस होगी, कितने दिन नेट होगा, वहाँ प्रैक्टिस मैचेस होते हैं कि नहीं, वहाँ उस एकेडमी से हम किसी क्लब के लिए खेल सकते हैं कि नहीं, उस एकेडमी की तरफ से हम खेल सकते हैं कि नहीं, वो एकेडमी कोई टूर्नामेंट खेलती है कि नहीं, और हम वो एकेडमी क्या हमको अंडर 14 या कोई भी अगर हमको अपने स्टेट लेवल के लिए खेलना है तो उसके लिए प्रिपरेशन करवाती है कि नहीं। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हमको ध्यान में ज़रूर रखनी होगी। तो जैसे कि मेरी एकेडमी है LDA क्रिकेट एकेडमी अलीगंज लखनऊ, तो वहाँ पे कैचिंग भी होती है, सब टेनिस मैचेस भी, कभी कभी टिप रन भी बहुत ज़रूरी है, तो ये सब भी होता है, नेट होता है, 5-5 नेट हैं। तो दोस्तों, इससे हमारा मतलब ओवरऑल होता है क्रिकेट में, ये नहीं कि सिर्फ कैचिंग करा रहे हैं, सिर्फ नेट करा रहे हैं, सिर्फ फिटनेस करा रहे हैं, एक चीज़ पे फोकस करके कभी कोई क्रिकेटर नहीं बन सकता। कैचिंग भी अच्छी होनी चाहिए, बैटिंग बॉलिंग भी अच्छी होनी चाहिए, फिटनेस भी बहुत होनी चाहिए दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को। बाय।